बद्दी में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए एसपी बद्दी मोहित चावला ने नालागढ़ पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ रोड सेफ्टी को लेकर एक बैठक आयोजित की। पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बीबीएन क्षेत्र में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाएं एक चिंता का विषय है तथा इसकी रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग व यातायात नियमों की अवहेलना जो कि दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण है। मोहित चावला ने बताया कि निकट भविष्य में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्रों में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित किया जाएगा तथा 15 जनवरी तक इस क्षेत्र में स्वचालित चालान प्रणाली को भी स्थापित कर दिया जाएगा। इस प्रणाली की स्थापना के बाद यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के स्वतः ही चालान हो जाएंगे। मोहित चावला ने जानकारी दी कि नालागढ़ में उपयुक्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक पार्किंग पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि अवैध पार्किंग की समस्या से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त पैदल चलने वालों के लिए भी एक नीति निर्धारित की जाएगी ताकि स्कूल, कॉलेज व अस्पताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में पैदल चलने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी क्लब नालागढ़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि बद्दी पुलिस को सड़क सुरक्षा व यातायात व्यवस्था में सुधार के संबंध में ज्यादा से ज्यादा फीडबैक प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा, हमने आज नालागढ़ में रोड सेफ्टी क्लब को रिवाइव किया है। हमारा सबका प्रयास, यहाँ पे सारे उपस्थित थे, हमारे एक्स एमसी, हमारे एमसी अभी के, पीडब्ल्यूडी के एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे थाने यूनियन के लोग, प्रेस बंधु सारे उपस्थित थे। अच्छा लगा सबके विचार विमर्श करके, सबसे पॉइंट्स ग्रहण करके। सबसे पहला प्रयास तो ये रहेगा कि नालागढ़ का रोड सेफ्टी क्लब एक आदर्श रोड सेफ्टी क्लब निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ बेगुनाह लोगों की रोड एक्सीडेंट में जान जाती है, जो ना सिर्फ एक इंसान को बल्कि उसकी फैमिली को भी प्रभावित करती है। तो हम सबका एक ही मत थी कि हम प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे सुचारू रखा जाए और ये जो एक्सीडेंट से यहाँ पे अननेसेसरी लॉस होता है, लॉस टू लाइफ होता है, लॉस टू प्रॉपर्टी होता है, उससे कैसे बचा जाए। बहुत जल्दी हम बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ रीजन इंटीग्रेटेड ट्रैफिक रेगुलेशन और मैनेजमेंट प्लान लेकर आ रहे हैं। आज हमने ये भी डिस्कस किया कि पेडेस्ट्रियन पॉलिसी और पार्किंग पॉलिसी नालागढ़ के लिए सोची जाए, कुछ एक बॉटलनेक्स पे काम किया जाए, पार्किंग की व्यवस्थाओं के ऊपर काम किया जाए। बहुत उत्साह है, सीनियर लोग भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, उनमें भी उत्साह है कि हम अपनी नालागढ़ की ट्रैफिक प्रॉब्लम को कैसे बेटर बनाएं, जिंदगियां कैसे बेटर बनाएं, कि जब हम, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे निकले तो वो सुरक्षित भी महसूस करें और सेफ भी। देखिए, हम लोगों को समझाएंगे जहां पे ट्रैफिक को प्रॉपर ढंग से चलाया जा सके, वो भी प्रयास करेंगे। मैंने रोड सेफ्टी क्लब को अवगत भी कराया कि जनवरी के महीने में हम इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो शायद अभी चंडीगढ़ में भी ऑपरेशनल है, हम लेकर आएंगे। चलान करना ट्रैफिक पुलिस का या इस क्लब का हमने मत की कि हमारा पर्पज नहीं है, लेकिन जो वॉयलेशन करेगा उसको हम सख्ती से डील, राणा जी को, इनकी टीम को, एसएचओ साहब को, हमारे यहाँ एमसीज को, एक्स वार्ड मेंबर्स को, कि वो सारे आए। और हमने आज एक नई एनर्जी के साथ क्लब को रिवाइव किया है और आशा रहेगी हम क्लब के माध्यम से लोगों को बेटर ट्रैफिक सॉल्यूशंस देने की प्रयास। धन्यवाद।